हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। बिहार में जिस खेला की उम्मीद में लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जुटे हुए थे, वो खेला खत्म हो गया है। बीजेपी और हम के अलावा आरजेडी के 3 विधायकों की मदद से नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है, और इससे साफ हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन असल सवाल है कि कब तक, क्या नीतीश कुमार विधानसभा के कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर अभी बिहार में एक खेला होना और भी बाकी है जिसमें नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर लोकसभा के साथ ही चुनाव करवा देंगे। आज बात इसी मुद्दे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 फरवरी की लड़ाई जीत ली। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद विपक्ष इतने विधायक नहीं जुटा सका कि नीतीश कुमार को रोका जा सके। उल्टे नीतीश कुमार ने ही विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी, और नतीजा ये हुआ कि पहले तो आरजेडी खेमे से विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें हटाने के पक्ष में कुल 125 वोट पड़े, जबकि उन्हें बचाने के पक्ष में महज 112 विधायकों ने ही वोट दिया। और इसके बाद तेजस्वी यादव भड़क गए। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित होने के बाद बिहार की विधानसभा को भंग करना चाहते हैं? राजनीतिक हलकों में तो इस चर्चा ने जोर पकड़ रखा है कि बहुमत साबित करने के बाद नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बिहार का बजट पेश करेंगे, फिर लेखानुदान आएगा, और लेखानुदान के पास होने के साथ ही बिहार की विधानसभा भंग कर दी जाएगी ताकि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा के भी चुनाव हो सके। और इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो कमजोरी जिसका फायदा कभी बीजेपी उठाती है तो कभी आरजेडी। दरअसल नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विधायकों के संख्या बल के लिहाज से नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी जिसका 79 विधायक है, फिर नंबर बीजेपी का है जिसका 78 विधायक है, और तब नीतीश कुमार की पार्टी है जिसके महज 45 विधायक हैं, और इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की मदद से मुख्यमंत्री बने थे, तब भी आरजेडी खेमे से हर बार आवाज उठती थी कि बिहार का मुख्यमंत्री तो आरजेडी से तेजस्वी यादव को ही होना चाहिए। तब महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने भरोसा जताया था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगुवा तो तेजस्वी यादव ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, बीजेपी के साथ आए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाने वाले सम्राट चौधरी को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और इससे बीजेपी का भी एक बड़ा खेमा नाराज है। और नाराजगी की वजह वही है जो आरजेडी की थी कि जब बीजेपी के 78 विधायक हैं और नीतीश के महज 45, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। और ये बातें नीतीश को हमेशा से ही असहज करती रहती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को उम्मीद है कि हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर जो बीजेपी पूरे देश में 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतना चाहती है और उसके लिए जी जान से लगी है, तो उसी लहर पर सवार होकर बिहार में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को वोट मिलेंगे, और बीजेपी के साथ मिलकर अगर नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके भी विधायकों की संख्या कम से कम उस सम्मानजनक आंकड़े तक तो पहुँच ही जाएगी कि फिर बीजेपी या आरजेडी किसी के साथ वो सरकार बनाए कोई उन्हें आँख नहीं दिखाएगा।
कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी से अलग ही इसलिए हुए क्योंकि आरजेडी लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं चाहती थी। तेजस्वी यादव और उससे भी ज्यादा लालू यादव नहीं चाहते थे कि विधानसभा भंग हो, लिहाजा नीतीश ने बीजेपी से बात की और जब बीजेपी विधानसभा को भंग करने पर सहमत हो गई तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि वो नीतीश कुमार हैं, वो कब क्या करते हैं, कौन सा फैसला लेते हैं, उनके अलावा कोई उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इंतजार करिए नीतीश कुमार के अगले फैसले का और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।